मोहतरम नादिन, आइए देखते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर नए कानून की मांग को लेकर एक प्रोटेस्ट किया गया था और उस प्रोटेस्ट में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बिगाड़ने के नारे लगाए गए थे। उस मार्च को भारत जोड़ो मूवमेंट का नाम दिया गया था। पुलिस के मुताबिक प्रोटेस्ट के लिए परमिशन नहीं दी गई थी, उसके बावजूद जंतर मंतर पर ये प्रोटेस्ट हुआ। मुसलमानों के खिलाफ नारों का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस ने कुछ लोगों पर कार्रवाई की, लेकिन ऐसा लगता है कि इस कार्रवाई का ऐसे नफरत फैलाने वाले लोगों पर कुछ असर होते हुए नजर नहीं आ रहा है। ये पहला मामला नहीं है। देश में आए दिन मुसलमानों को मारने, काटने और मुसलमानों की लड़कियों की इज्जत के साथ खेलने की पंचायत से जुड़ी कई खबरें सामने आती हैं, लेकिन इसके बावजूद मेनस्ट्रीम मीडिया इस पर चुप्पी साधे हुए है। मीडिया इसे अपने बहस का मुद्दा नहीं बनाती। आपको बता दें कि इस प्रोटेस्ट को कवर करने वाले एक यूट्यूब चैनल के रिपोर्टर अनमोल प्रीतम का भी एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल है। मेरी बात सुनिए, मेरा मन करेगा तो बोल दूंगा, लेकिन आप लोग जबरदस्ती आप लोग मत बुलवाइए, जबरदस्ती आप लोग मत बुलवाइए। आप लोग इतने सारे लोग घेर के मुझसे कहेंगे कि तुम जैसे राम बोलो तो मैं नहीं बोलूंगा। मैं मीडिया चैनल से दरख्वास्त करूंगा कि इस आदमी को फैला रहा है, इसको बाहर निकाल दिया। देखिए, अब इनका कहना मैं ना मानू, अच्छा मैं आपका कहना ना मानू तो मैं गलत, बिल्कुल गलत। इस वीडियो में रिपोर्टर अनमोल को भीड़ चारों तरफ से घेर कर उनके साथ नारे लगाने की मांग कर रही थी, जिस पर रिपोर्टर अनमोल ने बड़े ही हिम्मत से भीड़ को जवाब दिया कि तुम्हारे कहने पर मैं नारे नहीं लगाऊंगा, जब मेरा दिल करेगा तभी लगाऊंगा। रिपोर्टर अनमोल की भीड़ के सामने इसी जाबाजी की वजह से सोशल मीडिया में आई सपोर्ट अनमोल ट्रेंड हुआ। कई जाने माने लोगों ने रिपोर्टर अनमोल की इस हिम्मत की तारीफ की। आज देश में बिना किसी का डर और खौफ रख के पत्रकारिता करने वाले बहुत कम ही पत्रकार होंगे। रिपोर्टर अनमोल की इस वीडियो से हमें सबक मिलता है कि माहौल ऐसा भी हो, भीड़ कितनी भी हो, अपने ऊपर हावी होने नहीं देना चाहिए और ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई का सहारा लेना ही सबसे बेहतर तरीका है। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें